भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव का असर आईपीएल पर भी पड़ा है। आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर चीनी कंपनी वीवो ने साल लीग से हाथ खींच लिया है, यानी सीजन के लिए आईपीएल के पास फिलहाल कोई टाइटल स्पॉन्सर नहीं है। बोर्ड को टाइटल स्पॉन्सरशिप से काफी कमाई होती है, बोर्ड के सामने अब विकल्प तलाशने की बड़ी चुनौती है। तो चलिए समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल आपको बता दें, चीनी मोबाइल कंपनी वीवो की भारतीय शाखा वीवो इंडिया और बीसीसीआई ने साल 2020 के इंडियन प्रीमियर लीग के लिए अलग होने का फैसला किया है। सूत्रों की माने तो क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को इस बात पर फैसला किया। हालांकि अगले साल के लिए रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं, ये सब साल 2021 के हालातों पर निर्भर करेगा। वीवो ने शुरुआत में 2015 में टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अधिकार हासिल की थी। इसके बाद साल 2017 में वो 5 साल तक एक बार फिर टाइटल स्पॉन्सर बना। रविवार को आईपीएल की गवर्निंग काउंसिलिंग ने 2020 के लिए सभी स्पॉन्सर्स को कायम रखने का फैसला किया था। यूएई में 19 सितंबर से होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए चीनी स्पॉन्सर्स को साथ रखने के फैसले का कड़ा विरोध हुआ। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी बीसीसीआई को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी विवादों के बीच बोर्ड का यह फैसला लोगों को नागवार गुजरा। देश में चीन और चीन के बने सामानों का कड़ा विरोध हो रहा है, और ऐसे में जब बोर्ड ने वीवो के साथ रखने का शुरुआती फैसला किया तो लोग भड़क उठे। वहीं आपको बता दें, हालांकि बोर्ड और टाइटल स्पॉन्सर्स के बीच बहुत बड़ा अनुबंध है, वीवो इंडिया को परिस्थितियों का अंदाजा है। वो देख रही है कि मार्केट और राजनीतिक माहौल उसके पक्ष में नहीं है, इसी वजह से वो सौहार्दपूर्ण तरीके से डील से बाहर निकली है। इसलिए इस पूरी डील में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजी भी सेंट्रल पुल रेवेन्यू को 50-50 की दर से बांटने को बाध्य है। आईपीएल के 10 साल पूरे होने के बाद ये नियम लागू हुआ है। वीवो के साल के 440 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप का अर्थ है कि बीसीसीआई को इससे 220 करोड़ की कमाई होती है, और बाकी के 220 करोड़ रुपए 8 फ्रेंचाइजी में बराबर मिलते हैं। अब इस बार आईपीएल को ज्यादा गेट रेवेन्यू भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इवेंट सिर्फ टीवी के लिए होने वाला है। हालांकि यूएई सरकार ने पहले हफ्ते के बाद सीमित संख्या में दर्शकों को मैदान में आने की अनुमति दे दी है, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से ये इवेंट टीवी के दर्शकों के लिए ही होगा। इसका अर्थ है कि हर मैच से करीब 3 से 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, यानी हर फ्रेंचाइजी को करीब 21 या 24 करोड़ रुपए। इसका अर्थ है कि हर फ्रेंचाइजी को करीब 50 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है। वहीं आपको बता दें, बोर्ड वीवो ही रेवेन्यू में कोई दूसरा स्पॉन्सर तलाश सकता है, ये मुश्किल सवाल है। बाजार के हालात अच्छे नहीं है, कोरोना वायरस वैश्विक महामारी ने इस पर ब्रेक लगा दिया है। इसके साथ ही आईपीएल को शुरू होने में अब मुश्किल से 45 दिन बचे हैं। आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।